हरियाणा के गुरुग्राम में जिला परिषद चुनावों में मतगणना के बाद 65 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो गया। गुरुग्राम जिला परिषद की सभी 10 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 10 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। गुरुग्राम में सुबह 8 बजे से ही कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतगणना शुरू कराई गई। प्रत्याशियों के समर्थकों और एजेंटों का भी जमावड़ा लगा रहा। एक एक वार्ड के समर्थकों को मतगणना केंद्र के अंदर भेजा गया और नतीजे घोषित होने के बाद फिर दूसरे वार्ड के एजेंट व समर्थक गणना केंद्र पर पहुंचे, जिससे व्यवस्था बन सकी। पुलिस ने भी गुरुग्राम में बने मतगणना केंद्र के बाहर बैरिकेडिंग की, जहां जांच पड़ताल के बाद ही अंदर प्रवेश मिला। गुरुग्राम में जिला परिषद के 65 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। बता दें कि जिला परिषद की 10 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। वार्ड 1 से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश सिलानी चुनाव जीते। वहीं वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की ही पुष्पा देवी ने 3500 वोटों से जीत हासिल की। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी की ऋतु यादव 500 मतों से जीती और वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की ही अंजू देवी विजयी रही। साथ ही गुरुग्राम में जिला परिषद की 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर से 3 निर्दलीय उम्मीदवार श्री भगवान, वार्ड 4 से मनोज यादव, वार्ड 6 से नवीन जून और वार्ड 8 से यशपाल चौहान 1400 से जीते हैं। वहीं वार्ड 9 से निर्दलीय उम्मीदवार दीपाली 1700 वोटों से जीती, तो वहीं वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी संजू ठाकरान 3700 वोटों से आगे रहीं।